मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो कल हमने सर टू पॉइंट वन स्टार्ट किया था रैशनल नंबर्स में। तो सर टू पॉइंट वन का क्वेश्चन वन देखिए क्या है। क्वेश्चन वन आपका है फाइंड रैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका 4/1। कल मैंने समझा दिया था इसको, इसमें कौन सा नहीं आएगा। 4/0 -3/-5। ओके, सो दिस इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, दिस आल्सो इंटीजर। तो रैशनल नंबर्स आर, आंसर लिखो गया 4/1 -3/7, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। दिस इज नेगेटिव इंटीजर, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, -27/9, ये भी इंटीजर है, इसको हम अपॉन 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि q इंटीजर इक्वल टू 0 है ना, तो ये नहीं आएगा, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके, इसको लिखेंगे क्योंकि दोनों इंटीजर है। ओके, इतना ही लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये घटा के बाकी को दोबारा लिख देना है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू रैशनल नंबर। तो सेकंड का आंसर, फर्स्ट है आपका -38। तो मैंने कल बताया था आपको क्या करना है, आपको अपॉन 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जितने हैं उनके नीचे आपको 1 कर दिया जाता है। तो 17/1, 0/1, -100/1 एंड 79/1। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, पी की वैल्यू 0 ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, राइट 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो ये भी मैं समझाया था कैसे आपको करना है। 1/5 फर्स्ट का है, तो कितना निकालना है हमको, 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। तो फर्स्ट हमारा हो गया 1/5, 1/5 का 3 निकालना है। ठीक है, तो आंसर 1/5, आंसर लिखोगे 1/5 2/2, 1/1 में तो सेम आ जाएगा 2/10। ये हो गया फर्स्ट, इसी का फिर 1/5 3/3, तो ये क्या होगा 3/15। नेक्स्ट में इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसी में आगे करते हैं। नीचे लाइन की तरफ तो कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में 1/5 का थर्ड, 1/5 में 4/4। पहले किससे करना है, 2/2 से करना है, ये 2/2 होगा, फिर 3/3। ठीक है, चलिए 1/5 का इसका मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। 1/5 का पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट 1/5 में पहले 2/2, 2/5 क्या हो जाएगा 10, फर्स्ट 1/5 3/3 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड 3/15, ये होगा 2। 1/5 को फिर किससे करेंगे, 4/4, तो क्या आएगा 4 1 4, 4 5 20, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट। इसी तरह सबका करना है। और एक एग्जांपल बता देता हूँ, बाकी आप लोग करिएगा। -3/4, -3/4, तो इसका फर्स्ट होगा 2/2, फिर से करेंगे तो 3 2 6, माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ आएगा, 4 2 8, -3/4 3/3। ओके, सेकेंड में आएगा 3/3, -9/12, -3/4 4/4, 4 3 जा -12 माइनस तुमने नीचे 16, ऊपर माइनस है तो 4 3 जा 12, माइनस का माइनस साइन रहेगा,
माइनस 12/16। ये हो गया आपका कंप्लीट दोनों क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप इसको आगे क्वेश्चन आंसर को करिएगा, ठीक है। एक और बता दे रहा हूं, 6/11 को, ठीक है, ये चौथा नंबर है, थर्ड आपका करिएगा, इंटू 2/2, 12/11, 2 से 22, 6/11, इंटू 3/3, 6/3 18, 33, ये सेकंड नंबर इसका, ठीक है, 6/11, इंटू 4/4, ये 6/4 24, 44, ये थर्ड। इस तरह से तीन इक्विवेलेंट फॉर्म्स आपको लिखने हैं सभी के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, तो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 इज दैट राइट द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, तो ये भी बता दूं मैं कैसे करना है आपको। फर्स्ट है 25/14, तो कैसे लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमको इसका टेबल मालूम होना चाहिए, कौन से टेबल में आता है। तो 5, 25 और 40 किसके टेबल में आते हैं, 5 है, तो 5 × 5, इसमें भी 5 × ही होना चाहिए, तो 5, 8 या 40, ये कट करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5/8, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड, -16/36, आंसर अब देखिए 16 और 36 किसके टेबल में आते हैं, 4 के, है ना, तो -16/36 4 × -4, क्योंकि यहां पे -16 है, 4 × 9, तो ये 4 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास -4/9, ओके। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला देखे, -15 / -45, 15/-45, 15 और 45, अगर आपको 15 का टेबल याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज 5 से करिएगा, ठीक है। तो 5 से करने के बाद फिर से 3 से करना पड़ेगा, ओके। अगर 15 का टेबल याद है तो डायरेक्टली होगा 15 × 3 = 45, तो -5 × 3, -5 × 9, ये -5 - 5 कट जाएगा, यहां पे आया 3/9, 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए हम इसको और क्या करेंगे, 3 × 3, 3 × 1, 3 × 3, ठीक है, 9 में यहां पे आएगा, ये 3 कटेगा, बचेगा 1/3, ये हो गया आंसर। इस तरह से बाकी को भी निकालिएगा, बाकी आपको होमवर्क रहेगा, दो क्वेश्चन है, -5/8 और 4/2, उसमें है, प्रीवियस क्वेश्चन में है, थर्ड वाले में, और इसमें है आपका -48/96 और है -70/100, ये दोनों को आपको करना है, ठीक है, ये दोनों को आपको करना है, ये कंप्लीट करेंगे आप लोग, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन 5 मैं पढ़ दे रहा हूं, चूज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग रेशनल नंबर, इसमें आपको सेलेक्ट बस करना है कौन किससे, तो आप एक बार ऊपर से जैसे है, ठीक है, इसमें सिंपलेस्ट वाला सबसे छोटा वैल्यू चेक करना है आपको, सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा, उसमें मल्टीप्लाई करने पे आता है क्या, ऊपर वाले को देखो, जैसे हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है, 4/12 है, 8/24 है, 1/3 है, 16/36 है, एंड 25/75, इसमें एक या दो ही नहीं होगा, बाकी सब है ना, कैसे है चेक करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट सिंपलेस्ट वन इज 1/3, है ना,
इसमें सबसे छोटा जो है वो 1/3 है, और 1/3 में अगर हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 1/3 क्या करते हैं, 4 से करते हैं, तो 4 3 जाए क्रॉस कर देखो, 4 3 जाए 12 आ रहे थे, ओके, तो 1/3 के साथ कौन सा आएगा, 4/12, ओके, अब ऊपर देखिए 8 है, 8 1 जाए 8, 8 3 जाए 24, दिस ऑल्सो इक्विवेलेंट फॉर्म 16/36, तो यहाँ पे 16 से करेंगे, 16 3 जाए 48 होता है, तो ये कट जाएगा, है ना, नहीं आएगा, 5, तो 5 1 जाए 5, सॉरी 25 है यहाँ पे, 25 1 जाए 25, 25 3 जाए, 3 मल्टीप्लाई करके देखो, 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 75 आएगा, तो ये दोनों ये भी इक्विवेलेंट है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 में भी दिया हुआ, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर इक्विवेलेंट, गिव रीजन। तो 9/11, 9+3, 11+3, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कब बनता है, जब उनके कॉमन फैक्टर निकले, ठीक है, जैसे 9+3, 11+3, तो ये हो जाए 12+14, ठीक है, तो ये 9 के टेबल में 12 नहीं आता, 11 के टेबल में 14 नहीं आता है, तो दोनों के टेबल में आना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं, 4 के टेबल में 4 2 जाए 8, 12 के टेबल में 12 2 जाए 24, 1 के टेबल में 8, 3 के टेबल में 3 जाए 24, मतलब सेम टेबल में दोनों आना चाहिए, सेम काउंटिंग में, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं आएगा, तो क्वेश्चन 6 में भी आपको रिजल्ट लिखना है, बोथ नंबर जैसे 9/11 है, 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12+14 डोंट बिलोंग्स टू द टेबल ऑफ 9 and 11, ठीक है। सेकंड फ्रैक्शन मिलता है, ठीक है, ये नंबर इन द सेकंड रैशनल नंबर है, कोई ज्यादा अच्छा हो जाएगा, नंबर्स इन द सेकंड रैशनल नंबर, ये नंबर है 12 और 14, इसका नंबर है, ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, ओके, थैंक यू, गुड डे।